झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने कलेक्ट्रेट में भामाशाह सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओ संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है तो वे अपने भोजन और राशन सामग्री संबंधी सेवा कार्य जारी रखें। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने नगर परिषद या फिर अन्य लोकल बॉडीज में खाने को लेकर जो सहयोग राशि ली जा रही थी उसे बंद कर दिया है, इसलिए यदि कोई इस काम में पैसे देना चाहे तो वे सीएम रिलीफ फंड में दें या फिर खुद अपने स्तर पर वार्डों और फिर क्षेत्र को गोद लेकर जरूरतमंदों को खाना खिलाए। इस मौके पर एडीएम राजेंद्र अग्रवाल ने व्यापारियों के साथ मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर चर्चा की और सुझाव दिए। कलेक्ट्रेट में स्थानीय भामाशाहों, एनजीओ, उद्योगपतियों की व्यापारी वर्ग की एक मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि किस तरह के उद्योगों को, किस तरह की दुकानों को खोलने जा रहे हैं और उनसे सुझाव भी मांगे गए। साथ ही उन लोगों से, इन सभी संगठनों से ये भी निवेदन किया गया है कि अभी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। इस पीरियड में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन लोगों की मदद करने के लिए वो खुले मन से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में